हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ट्रेंट लिमिटेड की ओर से दिसंबर क्वार्टर की फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंडअलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, जो कि हम लोग कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस, हम लोग पहले कंसोलिडेटेड फिनांशियल रिजल्ट को कवर करेंगे। और थर्ड क्वार्टर 9 मंथ्स एंडेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है। नंबर करोड़ में है, इनकम है 3546.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 3062 करोड़ का, और दिसंबर 22 क्वार्टर में 2365 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों के इनकम में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 3101.4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 2773 करोड़ का, और दिसंबर 22 क्वार्टर में 2189 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंसेस भी इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 445.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 288.9 करोड़ का, और दिसंबर 22 क्वार्टर में 175.6 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का है इस बार का अगर देखा जाए तो 370.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 228 करोड़ का, और दिसंबर 22 क्वार्टर में 154.8 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। ईपीएस कंपनी का है इस बार का अगर हम लोग देखेंगे तो गाइज अराउंड 10.64 रुपीज़ का है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में भी इंक्रीज किया है। तो कंपनी का कंसोलिडेटेड फिनांशियल रिजल्ट बहुत ही स्ट्रांग पेश किया, क्योंकि इनकम और प्रॉफिट दोनों में इंक्रीज किया है। अगर हम इसके स्टैंडअलोन फिनांशियल रिजल्ट को कवर करेंगे गाइस, तो कंपनी का इनकम है इस बार का अराउंड अगर देखा जाए तो 3389 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 3041.8 करोड़ का, और दिसंबर 22 क्वार्टर में 2244 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 2942.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 2667 करोड़ का, और दिसंबर 22 क्वार्टर में 2035 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंसेस भी इंक्रीज है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 446.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 374.7 करोड़ का, दिसंबर 22 क्वार्टर में 209 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 343.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 289.6 करोड़ का, और दिसंबर 22 क्वार्टर में 160.9 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। EPS 2.83 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। तो गाइस, स्टैंडअलोन हो या कंसोलिडेटेड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पेश किया। तो अब हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।